थोड़ा पीछे पीछे हो जाएगा। पीछे करवा ले हाथ आप भाई, थोड़ा पीछे पीछे करवाना है। सारे सारे करवाने सर सर यस सर 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 थैंक यू सर। मित्रों आज अभी गुरुग्राम जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी। हर महीने जैसा हम लोगों ने तय किया है कि महीने की मीटिंग हुआ करेगी, महीने के दूसरे शुक्रवार को तय किया था, लेकिन आज एक दिन पहले ही मेरा कार्यक्रम जो बना हुआ था आज मीटिंग हो गई है। 11 कंप्लेंट्स थी, ज़्यादातर का निपटारा हुआ है। केवल एक कंप्लेंट ऐसी थी जो बिजली की तारें ऊपर से जा रही थी, वो पिछली बार भी उसके कमेटी बनाई थी, आज उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी है। फिर भी उसमें नया एस्टिमेट बना करके उन तारों को कैसे हटा के और हल किया जा सकता है अगली बार के लिए, फिर उसको पोस्टपोन किया। एक महीने में फिर अपनी सारा एस्टिमेट वगैरह बना करके देंगे। एक बाग के अंदर से बिजली का एक लाइन लगाने का एक विषय आया था, उसमें लापरवाही देखी गई, जो एक्शन था तो एक्शन को उसमें सस्पेंड कर दिया हमने। और दो दिन पहले भी रादर 4 दिन हो गए हैं, हमारे पावर मिनिस्टर ने पानीपत में रात के समय एक औचक निरीक्षण किया था, कुछ अधिकारियों के घरों पर जाकर के देखा तो बिना मीटर के ही उन्होंने कनेक्शन लिए हुए थे। डिपार्टमेंट के लिए बहुत गलत बात है कि अधिकारी भी इस प्रकार की अगर चोरी करेंगे तो आखिर बिजली की चोरी रोकने के लिए जनता को हम नहीं प्रेरित कर पाएंगे, तो इसलिए उन अधिकारियों पर सख्त एक कार्रवाई की गई और उनको जुर्माना किया गया भारी। तीन चीफ इंजीनियर थे जिनके घर इस प्रकार का पार्टली उन्होंने मीटर लिए हुए थे और पार्टली उसमें से चोरी भी कर रहे थे, तो 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया 3 लोगों को, और ऐसे 6 जूनियर लेवल के जो लोग थे उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। तो ऐसा अधिकारियों के ऊपर भी हम सख्ती कर रहे हैं, यानी जो बड़े ऑफिसर हैं पावर डिपार्टमेंट के, कि कोई भी चोरी नहीं करेगा। चोरी करने को अगर रोकना है तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, और बाड़ी अगर खेत को खाएगी तो खेत सुरक्षित कैसे रहेगा, तो इसलिए वो एक सख्त एक्शन ये हमने लिया है। आज ग्रीवेंस कमेटी से आने से पूर्व दो आधारशिला रखी गई है, फाउंडेशन स्टोन 10 MLD STP एट विलेज जहाजगढ़, और वार्ड नंबर 35 में एक डेवलपमेंट वर्क की शुरुआत की गई है। ऐसे ही एक शेल्टर होम यहाँ बनाया गया है होमलेस पर्सन के लिए, उसका इनाग्रेशन किया बिल्डिंग का, जिसकी टोटल कॉस्ट है वो 27.5 करोड़ रुपया ये आई है। आज से पूर्व कल भी जो मेरे कार्यक्रम हुए थे उसमें कल सायंकाल GMDA की मीटिंग भी हुई थी, तो GMDA की मीटिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे थे उनकी सबकी रिपोर्टिंग रखी गई, और जो ध्यान में आया कि सभी पर प्रगति है और सब टाइमलाइन के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। आने वाले 1 साल के अंदर कोई 11-12 काम ऐसे हैं जो गुरुग्राम में चल रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर हैं, अंडरपास है या STP के प्लांट हैं, ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और गुड़गांव के लोगों की जो भी छोटी बड़ी तकलीफें हैं उनको हल करने के लिए सभी डिपार्टमेंट, चाहे फिर वो GMDA के अंतर्गत आने वाले काम हो, चाहे MCG के अंतर्गत आने वाले काम हो, या अन्य डिपार्टमेंट के काम, वो सारे के सारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। और नया जो बजट है हमारा वो भी विधानसभा में पेश होगा, उसके लिए भी हमने आह्वान किया है सभी डिपार्टमेंट के लोगों को भी, क्या है यानी डिपार्टमेंट यानी सेक्टर्स के, जैसे सर्विस सेक्टर्स की कल मीटिंग थी तो सर्विस सेक्टर्स के लोगों को भी कहा है जो भी वो सुझाव देंगे, ऐसे जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं
तो उनको भी कहा है कि जो सुझाव देंगे उन सबको हम जो है आने वाले बजट में समाधान उनका करेंगे, उनको उसके अंदर उनके सुझावों को अहमियत दी जाएगी। देखिए उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, दो बार हुई है, और चूंकि हम तो हमारे अपने शासनकाल में भी जो भी कोई बात हमको ध्यान में आती है हम उसमें जांच कराने में पीछे नहीं हटते हैं। हमारा वो समय अब नहीं है कि अगर किसी समय कोई जांच में गड़बड़ पाई गई तो उसको कैसे दबाया जाए, हम दबाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जो भी कोई दोषी है, चाहे कोई डिपार्टमेंट की ओर से होगा, अधिकारी होगा, कोई नेता होगा, या कोई जनता का भी आदमी होगा, कोई ट्रेडर होगा, कर्मचारी होगा, जो भी कोई दोषी पाया जाएगा भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। अब उसमें उस फाइंडिंग में ध्यान में आया है कि 90 करोड़ रुपये जो हमारे ACS फूड एंड सप्लाई उन्होंने जो बताया है 90 करोड़ रुपए की जो कमी पाई गई है उनको नोटिस दे दिए गए हैं और वो 90 करोड़ रुपए की वसूली जो है उनसे की जाएगी।